सभी का सिलसिला बाजारों का मैं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि देख रहे हैं आज की सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1825 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं सिल्वर भी $23.1 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोना चांदी में आज भी बढ़त का दौर जारी है। सोना देख रहे हैं आज भी 1800 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि US का इन्फ्लेशन डेटा जो निकल के सामने आया है 1982 के बाद से ज़्यादा बताया जा रहा है, लगभग 7% ज़्यादा बताया जा रहा है। 1982 में अमेरिका के दौरान जो महंगाई देखने को मिली थी उसके बाद से अब जाके कहीं उससे 7% से ज़्यादा अब महंगाई देखने को मिल रही है साल 2022 के अंदर अमेरिका में, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक हल्का सा कहीं ना कहीं दबाव बनता नज़र आ सकता है। बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $81 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, WTI $80 के ऊपर आज भी है, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $84 पर है। नए हाइज बनते नजर आ सकते हैं कच्चे तेल की कीमतों के अंदर। आपको बता दें कि पहले तो ये आशंका जताई जा रही थी कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है साल 2022 में, लेकिन अब जिस हिसाब से ओमिक्रॉन के जो केसेस है लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं उसके मद्देनज़र अब यही लग रहा है जानकारों को भी, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि आगे चलकर जो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो देश विदेश है अब वो अपने अपने देशों में वर्क फ्रॉम होम पर लौट रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब भी वर्क फ्रॉम होम पर लौटते हैं लोग तब देखते हैं कि आवाजाही जो होती है वो बंद हो जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बंद हो जाती है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो डिमांड है कच्चे तेल की वो पेट्रोल डीजल की वो भी धीरे धीरे कम होती नज़र आती है, ईंधन की मांग घट जाती है, एयरप्लेन फ्लाइट्स भी कम ही देखने को मिल रही होती, इमरजेंसी फ्लाइट्स चल रही होती हैं बस, उसकी वजह से देखते हैं कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आती है। और दूसरा मैंने ये भी देखा था कि लीबिया में, नाइजीरिया में, कजाकिस्तान में जो पाइपलाइन की जो मरम्मत चल रही थी कच्चे तेल की, उसकी वजह से देख रहे थे कि पहले स्टॉक कम देखने को मिला था जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बीच में बढ़ गई थी, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि जो इन्वेंट्रीज हैं कच्चे तेल की उनमें एक बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज कच्चे तेल का जो बाज़ार है वो एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ यानी करेक्शन के साथ, गिरावट के साथ ट्रेड करता नज़र आ सकता है। और जहां पर कच्चे तेल की पाइपलाइन में जो बाधा हो रही थी और जो मरम्मत चल रही थी उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है, उसकी अब वहां से भी जो प्रोडक्शन है वो रिज्यूम हो जाएगा, यानी कि वो जो कच्चे तेल का जो उत्पादन है वहाँ से भी अब देखने को मिलेगा जहाँ से पहले रुका हुआ था। अब देखना ये हुआ कि आगे चल के कच्चे तेल की डिमांड कैसी रहती है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बेस मेटल्स में बनती नज़र आ रही है। कॉपर में बात करें तो $4.5 है, MCX जिंक $289 पर है, MCX निकल ₹1624 पर कारोबार करता नज़र आ रहा है, MCX जिंक ₹289 पर है और MCX लेड ₹190 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की जो कीमतें हैं उनमें एक बढ़त देखने को मिली, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में। देख रहे हैं कि ये वाला कारोबारी जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है बेस मेटल्स के लिए। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नॉन एग्री कम्युनिटीज़ का बाज़ार कैसा रह सकता है, किस नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में कितनी मंदी तेज़ी देखने को मिल सकती है और अगला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कम्युनिटीज़ के लिए कैसा साबित हो सकता है, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है। रूपा जी देख रहे हैं कि सोना और चांदी आज भी बढ़त के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, हालांकि US का इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल के सामने आया है वो उम्मीद से ज़्यादा ही है, अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है उसका असर सोना चांदी में कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए अभी फिलहाल जो मार्केट है वो पॉजिटिव ही है और इसका इम्पैक्ट जो है अभी फिलहाल पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, और आगे चल के भी मुझे लगता है कि बाजारों में खरीदारी जो है वो बनी रह सकती है सोने और चांदी के अंदर, क्योंकि एक सेफ हेवन डिमांड जो है अभी भी हम देख रहे हैं कि निकलती हुई दिखाई दे रही है
और रेंज जो है टेक्निकली मार्केट वो रेंज ब्रीच नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऊपर सस्टेन हो रहा है, 1825 डॉलर के आसपास है अभी भी गोल्ड, और यहाँ से आप मान के चलिए कि एक बार 1840 डॉलर की अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जो साइडवेज मोमेंटम है वो 1800 से लेकर 1840 तक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि सोने और चांदी दोनों के अंदर ही निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति लेकर चलना चाहिए। जी ये सर भाजी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर है और WTI $81 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि कच्चे तेल की डिमांड घटने के साथ साथ जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी जा रही है, आपको ऐसा क्यों आपको क्या लगता है ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए अभी जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच देखने को मिल रहा है उसके चलते अभी फिलहाल कच्चे तेल के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, और अभी भी कच्चा तेल जो है अपने ऊपरी स्तरों पर कायम है और $80 के ऊपर जब तक सस्टेन है तो यहाँ से मानकर चलिए कि $85 तक की तेजी की तरफ मार्केट बना रह सकता है। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है दरअसल सप्लाई डिस्टर्ब की वजह से ही तेजी देखने को मिल रही है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनती है तो डिमांड जो है अगेन हाई होती हुई दिखाई देगी और सप्लाई उसको पूरा करने के लिए कंप्लीट नहीं है, इस वजह से कच्चे तेल के अंदर तेजी है और ये तेजी फिलहाल कुछ दिनों के लिए अभी बनी रह सकती है। आज हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है लेकिन स्टिल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आज भी इंट्राडे में बनाकर चलना चाहिए। जी ये रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं आज काफी शानदार बढ़तबंदी नजर आ रही है, आपको क्या लगता है आने वाला कारोबारी सप्ताह बेस मेटल्स के लिए कैसा रह सकता है? देखिए आने वाला कारोबारी सप्ताह बेस मेटल के लिए पॉजिटिव ही है, और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं बेस मेटल के अंदर तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो निकल हो, कॉपर हो, लेड जिंक में भी खरीदारी आई है, तो ये खरीदारी अभी बनी रह सकती है। और मुझे लगता है कि निकल के साथ साथ हम जिंक में भी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मेरे हिसाब से बेस मेटल में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हर स्तर पर बनाकर चलना चाहिए। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल सिल्वर को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि इनके पास सिल्वर के 3 लॉट हैं 60,450 में बाइक करे हैं, इनका सवाल है होल्ड करें या सेल कर दें? देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अभी बाजारों में अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, और हमें लगता है कि सिल्वर बल्कि गोल्ड से ज्यादा अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई दे सकती है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही फिलहाल बाइंग में रहा जा सकता है, और जिनका जिन्होंने बाइंग लिया हुआ है वो बिल्कुल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी दर्शक हैं सुरेश जी जिनका सवाल नेचुरल गैस को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे नेचुरल गैस में भी क्या करके चला जाए? देखिए अभी नेचुरल गैस थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है, विंटर सीजन की डिमांड के चलते एक अपसाइड बना है, छुटमुट शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे सकती है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आज आप नॉन एग्री कमोडिटीज में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, जिन जो आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा देकर चल सकती है? देखिए जहां तक बेस नॉन एग्री कमोडिटीज की बात है तो इसमें मुझे लगता है कि फिलहाल सोने चांदी के साथ बेस मेटल्स में खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। जी